अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी काफ़ी कमेंट थे मुझे इंस्टाग्राम पे भी और टिकटॉक पे भी कि आप जुनैरा की रूटीन शेयर कर दे। तो जो भी मेरी इसके साथ छोटी मोटी सी जो रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सुबह दोपहर या रात में जो भी ये खाती है, दूध कितनी दफ़ा पीती है, सोती कब है, सारी वीडियो जो है इसके बारे में ही मैंने आज की बनाई है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा, इसकी फिर मैं बाकी रूटीन भी शेयर कर दूँगी। और इसकी वो वाली वीडियो भी पड़ी हुई हैं जो मैंने 4 मंथ या 5th मंथ में इसके साथ रूटीन इसकी बनाई थी, तो अगर बोलेंगे तो वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। ये जी सुबह बच्चों ने स्कूल जाना होता है तो ये भी उनके साथ कभी कभार उठ जाती है, कभी उनके बाद उठती है। तो आज ये 7:30 बजे उठ गई थी तकरीबन। मैं इसको नींद में ही 6:30 से 7 बजे तक मैं इसको लाजमी दूध पिला देती हूँ। उसमें थोड़ा सा सेरेलैक डाल के फीडर में ही 1 चम्मच सेरेलैक डालती हूँ, 2 से 3 मतलब 4 औंस बना के दे देती हूँ। और इसमें थोड़ा सा सेरेलैक डाल के दूध मिला के इसको दूध बना के देती हूँ, इसलिए जो है ना उठते ही इसको भूख नहीं होती है। तो ये होता है कि मैं भी थोड़ा बहुत अपने काम कर लेती हूँ, बच्चों को भी तैयार करके छोड़ के आई थी। बच्चों का टाइम 8 बजे का, लेकिन ये 7:30 बजे उठ गई थी तो मैं बच्चों को छोड़ के आई। देन मैं थोड़ा बहुत जो है कमरे में से चीज़ें समेटी और उसके बाद मैंने इसको, क्योंकि मुझे पता था इसको भूख नहीं है, इसलिए मैंने कहा थोड़ा बहुत काम कर लूँ। और ये जो आपको बैग नज़र आ रहे हैं ये मैंने पहले भी मंगवाए थे, पहले बड़े वाले मंगवाए थे, अभी छोटे मंगवाए हैं। इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी प्राइस क्या है, सारा जो है मैंने दराज वाली वीडियो में शेयर किया। मतलब मैंने जो चीज़ें दराज से बाय की थी इसके नीचे ही जो है वो वीडियो है। तो अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे नीचे से वीडियो मिल जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में जो है वीडियो का लिंक दे दूँगी, ताकि आप, मैं क्योंकि मैंने डिटेल में एक चीज़ की क्वालिटी भी बताई थी और प्राइस भी बताई थी और अपना एक्सपीरियंस भी बताया था कि क्या है। और यहाँ पर ये मैडम ज़्यादातर बैठती नहीं है, खुद ही कहती है बस मुझे उठाती रहो, तो यहाँ पर भी रोने लग गई थी। और देन ये जी हम गए थे, मंडे का व्लॉग है, हम गए थे संडे को, अचानक से हमारा प्रोग्राम बन गया था और हम गए थे कुछ मेट्रो में गए थे। देन हम गए थे सेकंड वाइफ रेस्टोरेंट है जो कराची में रहने वाले हैं, उनको आइडिया होगा। तो फिर मैं थोड़ा बहुत के साथ कोशिश कर रही कि देख रही थी कि खाती कि नहीं खाती, पर हाल इसने नहीं खाया था। देन हम मैंने इसको थोड़ी देर नीचे बाहर बैठाया और यहाँ से चीज़ें समेटी टेबल से। देन हम दोनों ने मिलकर नाश्ता किया, बच्चों को छोड़ के आती हूँ मैं मेरी सास और फिर मैं नाश्ता करती हूँ। थोड़ा बहुत मैं जुनैना को लाजमी अंडा खिला देती हूँ, ये माशाल्लाह से पूरा अल्हम्दुलिल्लाह अंडा खाती। तो यहाँ पे आपने माशाल्लाह लाजमी बोलना है, क्योंकि इसको अंडे की आदत ना, मैंने तकरीबन जब ये इसका 6 मंथ स्टार्ट हुआ था ना तब से ही मैंने इसको अंडे की आदत डाली हुई है। तो ये होता है कि कभी कभार मैं इसको इस तरह का बॉयल एग देती हूँ। पहले जब शुरू में जब अंडा इसको खिलाना स्टार्ट किया था तब सिर्फ जर्दी से स्टार्ट किया था, कैसे स्टार्ट किया था उसकी भी वीडियो पड़ी है, अगर आप बोलेंगे मैं आपके साथ यहाँ इसी चैनल पर शेयर कर दूँगी। सेकेंड जो है अभी मैं इस कोशिश करती हूँ कि इसको पूरा अंडा लाजमी खिला दिया करूँ, क्योंकि इसने 6 से 7 बजे तक दूध पिया है। तो फिर ये होती है कि मैं 8:30 बजे इसको लाजमी पूरा अंडा खिला दूँ, इतनी देर में ये खा लेती है क्योंकि ये जाग रही होती है और खेल रही होती है थोड़ा बहुत। तो फिर उसके बाद अंडे के ऊपर मैं थोड़ी बहुत काली मिर्ची और थोड़ा सा नमक डाल के इसको खिलाती हूँ। देन जी फौरन मैंने इसको दूध दे दिया था 2 औंस, इसमें भी थोड़ा सा सेरेलैक था। वो दूध इसलिए दिया क्योंकि जब बच्चा कुछ खाता है ना उसको साथ पानी लाजमी लिक्विड चाहिए होता है, पानी थोड़ा बहुत मैं लाजमी पिलाया था। बट फिर उसके बाद मैंने इसको 2 औंस फौरन उसी टाइम दूध दे दिया। आप चाहें तो बेशक थोड़ी देर ठहर के दे सकते हैं दूध, बट मैंने उसी टाइम 2 औंस दे दिया था। इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच सेरेलैक होगा 2 औंस में, बाकी दूध था। और उसके बाद माशाल्लाह से इसने ये फीडर पी लिया और उसके बाद वही फिर मैं कमरे में आ गई थोड़ा बहुत, क्योंकि आज खाना नहीं था पकाना, क्योंकि आज मैं बहुत वीडियो में बोल रही हूँ। हम गए थे रेस्टोरेंट कल और सेकंड वाइफ रेस्टोरेंट की वीडियो भी पड़ी है, अगर आप बोलेंगे तो वो भी शेयर कर दूँगी। उसमें जो जो हमने खाना ऑर्डर किया था, हम रात के टाइम इतना ज़्यादा नहीं खाना खाते ना मेरी सास ना मेरे हस्बैंड, तो फिर हम ये करते हैं कि हमने खाना ज़्यादा ऑर्डर कर दिया था वो बच गया था, फिर हम साथ लेके आ गए थे वो नहीं खाना, मतलब आज खाना नहीं था पकाना था वो भी पड़ा हुआ था, और जो जाने से पहले हम खाना पका के गए थे वो भी पका हुआ था पड़ा था। तो इसलिए फिर हमने कहा थोड़ा बहुत मैं काम से मेट लूँ, क्योंकि कल इतवार था, इतवार को लगी थी मशीन। सॉरी मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ, तो जिस दिन मशीन लगती है मैं कोशिश करती हूँ काफ़ी हद तक कपड़े उसी दिन से मेट लूँ। बट हम चले गए थे बाहर तो फिर मैं वो कपड़े साथ में थोड़े बहुत बेडशीटें वगैरह समेटी। और जी यहाँ पे 9:30 बजे, क्योंकि ये 7:30 बजे उठ गई थी, तो 9:30 से 10 बजे की तरह मैं कोशिश करती हूँ कि ये सो जाए तो अच्छी बात है, वरना फिर यही होता है कि ये मेरे आगे पीछे घूमती रहती है। तो मैंने यहाँ पर कोशिश की इसको दोबारा दूध दे के 2 से 3 औंस मैंने दोबारा बनाया था दूध, और इसको ऐसे ही सेरेलैक के बगैर दूध बना के दिया था कि ये पी ले और सो जाए। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सो गए थे झूले में। तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि बच्चा जाहिर होता है झूला होता है ना उसके साथ झूलते झूलते सो जाता है, तो कभी कभार बच्चे अंधेरा करके, मैं हमेशा अंधेरा करके ही सुलाती हूँ इसको लाइट सारी ऑफ करके।
थोड़ा बहुत किचन का काम था, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा किचन बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था क्योंकि एक दिन पहले ही ना मैंने वो आटा निकाला था, क्योंकि आपको पता है महीना ख़त्म हो रहा है तो आटा भी ख़त्म था बकेट में, और वो बकेट बहुत बहुत गंदी हुई थी, धोने वाली थी, और मुझे आटा भी गूंदना था। मैं बकेट में धोने वाली जगह पे रख दी थी एंड वो धुल रही थी, वो गीली भी थी, और मैंने आटा ना यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रख दिया तो जिसकी वजह से काफ़ी यहाँ पर गंद हो गया था। तो फिर मैंने कहा चलो यार फ़ायदा उठाते थोड़ा बहुत किचन ही साफ कर लें, आज खाना नहीं बनाना, किचन को ही टाइम दे दें। तो मैंने किचन की जो सी डीप क्लीनिंग करनी स्टार्ट कर दी, थोड़े बहुत दूसरे भी काम किए थे जो कपड़ों के समेटने वाले काम थे। और उसके बाद जी जुनारा मैडम उठी, बीच में मेरी मम्मा का फ़ोन आ गया, थोड़ा बहुत साथ सुनते बातें कर रही थी। तो जब ये उस होकर उठी तो तकरीबन आधा घंटे मैंने अपने दोबारा किचन के काम समेटे, और उसके बाद जो है मैंने इसको पोटी ट्रेनिंग के लिए बिठाया था, उसके बाद मैंने इसके कपड़े चेंज कर दिए। तो पोटी ट्रेनिंग के लिए जब भी मैं इसको बिठाती हूँ, इसके मुँह हाथ टांगे जो भी धोनी होती है नहलाना होता है करके इसके कपड़े चेंज कर देती हूँ, अगर ये मतलब गए दोपहर को सुबह थोड़ी लेट उठे। और सुबह ये जल्दी ना सो भी इसलिए गई थी, 9:30 बजे इसलिए सो गई थी क्योंकि ये रात को भी लेट सोई थी, वरना ये जो है ना दोपहर जल्दी सोती नहीं है। तो इस वजह से फिर इसका थोड़ा पोटी ट्रेनिंग का टाइम थोड़ा सा लेट हो गया था। अदरवाइज़ यही टाइम है कि 10 से 11 बजे इसको मैं लाज में बिठा देती हूँ, और उसके बाद मैं इसके कपड़े भी चेंज करवाती हूँ। और अब चीज़ मैं जा रही हूँ दोबारा किचन में, क्योंकि ये सो के उठी थी और इसने वॉशरूम भी कर लिया था और मैंने इसके कपड़े भी चेंज कर लिए, तो अब इसको लाजमी भूख लगी हुई थी। और यहाँ पे मैंने बहुत लेट कर दिया था इसका थोड़ा सा खाना, हालाँकि मुझे चाहिए था इसके उठते ही जो है ना फ़ौरन खाना बनाने के लिए रख देती। बहरहाल यहाँ पे मैं इसके लिए साबूदाना और एप्पल की प्यूरी बना रही हूँ। आप चाहें तो इसका जो आपका बच्चा 8 माह का है या उसे 10 माह का है और आप दूसरा दूध यूज़ करती हैं तो आप इसमें दूसरा दूध भी डाल के और चीनी डाल के भी इसको खीर टाइप भी बना सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ सिंपल सी प्यूरी से बना रही हूँ और यही मैं इसको दूँगी दिया था। एंड यहाँ दूसरी साइड पर इसके फीडर जो थे वो बॉयल हो रहे थे, और ये मैंने डिसाइड किया था कि मैं ना जुनैरा को जल्दी ये पका के ना तो ठंडा करके खिलाऊंगी, लेकिन हमारा एकदम से प्रोग्राम मेरी सास माँ का बन गया था कि अभी हमने जाना है बाहर और थोड़ा बहुत काम है दर्जी के पास भी और थोड़ा बहुत दूसरी सब्ज़ी वगैरह भी ले आते हैं। तो मैंने कहा चलें ठीक है मैं जाती हूँ। फिर मैंने यहाँ पर थोड़ी सी सूजी बनाई थी जुनैरा के लिए, सूजी में तकरीबन छोटा जो चम्मच होता ना एक वो बना लिया था यहाँ पर पानी में, कोशिश करें यहाँ पर मैंने ठंडा पानी डाला था, लेकिन अगर आप गर्म पानी में डालें यार बहुत बहुत अच्छी बनती है। मैं ज़्यादातर कोशिश यही करती हूँ कि पहले पानी को गर्म, मैंने सूजी भून के इसकी रखी हुई देसी घी में, हल्का सा देसी डाल के ना वो छोटी इलायची डाल के मैंने इसको देसी घी में सूजी को भून के अलग से सेपरेट रखा हुआ है इसके लिए। तो मैं क्या करती हूँ कि गर्म पानी कर लेती हूँ देन उसमें सूजी डाल देती हूँ। यहाँ मैंने जल्दी जल्दी बनाई थी जिसकी वजह से ये हुआ कि मैंने पानी ठंडा डाला तो काफ़ी टाइम मिला, मतलब बहुत अच्छी वाली नहीं थी बनी, बट अच्छी वाली बस बन गई थी सूजी। और यहाँ पर मैंने क्या किया था, जब सूजी अच्छी तरह से कुक हो गई थी देन मैंने थोड़ा सा इसमें दूध ऐड कर दिया। अगर बच्चे जो हैं छोटे हैं मतलब कि 8 माह से छोटे हैं, अक्सर मदर जो है ना 10 माह तक दूध नहीं दूसरा वाला देती, लाइक गाय का दूध या भैंस का दूध नहीं देते, तो वो सिंपल इसको पानी में पका के भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे दूसरा दूध डाला है और इसमें डाल दी थी थोड़ी सी चीनी डाल के, इसको मैंने फीडर में डाल दिया था और फीडर में मैंने और एक्स्ट्रा पानी डाले थे, सारी सूजी नहीं थी ये सिर्फ, इसमें मैंने लिक्विड, आपने बहुत लिक्विड फॉर्म में रखना है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना क्योंकि ये जो सूजी होती है ना ठंडी होने के बाद और भी ज़्यादा थिक हो जाती है। तो फिर मैंने इतनी लिक्विड फॉर्म में रखी थी दैन मैंने इस पर थोड़ा सा पानी अगेन ऐड किया था और फिर इसमें फार्मूला मिल्क भी थोड़ा सा ऐड करके मैंने इसको अच्छी तरह शेक करके रख लिया था। और हम चले गए थे बाहर, आज पीर था थोड़ा बहुत पीर बाज़ार में, थोड़ा ये दर्जी के पास आ गए, थोड़ा बहुत दर्जी को यहाँ पे ये ना सासू माँ को ये वाला लहंगा प्लस फ्रॉक है, मुझे एग्जैक्ट समझ नहीं आया, मेरे हाथ से लहंगा नहीं है फ्रॉक बनी हुई है, तो उनको पसंद आई थी, उन्होंने कहा इसकी तस्वीर बना लो दो जी। मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ तेज़ बोलने के लिए सॉरी, बट मैं आदत से मजबूर हूँ। तो यहाँ पे आए थोड़े बहुत उन्होंने कपड़े दिए, यहाँ पर मैंने जुनैरा को इसी टाइम फीडर खोल के दे दिया क्योंकि इसने तकरीबन 10:30 बजे दूध पिया था और अभी 12:30 या 1 बजने वाला था, अभी 1 बजा नहीं था 12:30 का टाइम था, तकरीबन इसने 10 बजे शायद दूध पिया था, तो मैंने बोला 12 से 12:30 हो गए तो ये अभी थोड़ा बहुत दूध लाजमी पी ले, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसने जो था ये दूध पी लिया था, ख़त्म कर लिया था 1 बजे तक, थोड़ा थोड़ा करके पिया इसने। तो जी यहाँ बहुत हम थोड़ी बहुत सब्ज़ियाँ देख रहे थे, आलू ले रहे थे क्योंकि आपको पता है बच्चों वाले घर होम में आलू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आलू ना हो तो दिन नहीं गुजरता क्योंकि बच्चों को आलू वाली चीज़ को ना कोई चाहिए होते हैं, लाइक फ्राइज लाजमी चाहिए होते हैं, हमारे घर में बिरयानी में आलू लाजमी जाने होते हैं। तो फिर मैं जब हम बाहर से आए थे तकरीबन बच्चों को खाना दे के बच्चों को फारिग हो के मैंने फिर ये इसको दी थी क्योंकि इसने सूजी वाला दूध पिया हुआ था और इसका पेट फुल था तो इसलिए मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं थी। दैन मैंने फिर ये बना दिया इसको साबूदाना और जो
एप्पल था, मैंने इसको सिंपल ऐसे ग्राइंड करके कुछ जो है थोड़ा बहुत चम्मच से खिलाने की कोशिश की थी। आप चाहें तो इस पॉइंट पे जो है ना, अगर आपको बच्चा साल से ऊपर का है और आप, या फिर आपका बच्चा 8 माह से ऊपर का है और आप जो है गाय का दूध या भैंस का दूध यूज़ करती हैं, तो आप इसमें वो थोड़ा सा डाल के, थोड़ी सी चीनी डाल के भी पका सकती हैं। बट मैंने इसको ऐसे थोड़ा बहुत चम्मच से खिलाया था। ये जो बाउल आपको नज़र आ रहा है, इसने पूरा नहीं था खाया, थोड़ा छोड़ दिया था। दैन जो थोड़ा इसने छोड़ा था, वो फिर मैंने आधे एक घंटे बाद जो था इसको दोबारा दूध में डाल के इसको दे दिया था, और इसने वो फीडर में पी लिया। दैन जी ये फिर उसके बाद क्या रूटीन थी ये देखे। खाना खाते के बाद बच्चे बहुत तंग करते हैं, बहुत मुश्किल होता है, बट आपको जो है हिम्मत नहीं हारनी होती। जिस पॉइंट पे आप हिम्मत हारते हैं ना, उस पॉइंट पे बस बच्चा आपके हाथ से गया। तो मैंने बहुत मुश्किल से कोशिश कर करके, फिर मैंने कैमरा बंद करके रखवा के फिर इसको खिलाया था। तो इसने खाया था थोड़ा बहुत, फिर इसको मैंने खेल निकले यहाँ पे छोड़ दिया। यहाँ पे जी मैडम थोड़ी बहुत जो है ना, ये आजकल स्केल बहुत, वेट स्केल जो पड़ा था ना सामने, मैं अपना वेट कम कर रही हूँ, तो मैं अक्सर जो है अपना वेट चेक करती रहती हूँ कि कम हुआ या नहीं हुआ या बड़ा तो नहीं है। तो ये भी जो है ना मेरी नकल बहुत करती है, वेट स्केल करने की कोशिश, मतलब चेक करने की कोशिश करती है। और उसके बाद ये जो है दादू, इसकी नमाज़ पढ़ी होती है तो दादू को देख के नमाज़ पढ़ने की ट्राई करती है। और उसके बाद अगेन जो है ये तकरीबन थोड़ी सो के उठ गई थी, आई थिंक ये 9:30 बजे सोई थी और 10:30 से 11 बजे या 12:30 बजे उठ गई थी। और उसके बाद ये फिर माशाल्लाह से जो है ना, मैंने फिर इसको ये कोशिश की थी कि 4 बजे तक या 4:30 या 3:30 एग्जैक्ट मुझे अभी टाइम नहीं आया, बट इतने बजे मैंने इसको सुला दिया था। और फिर यहाँ पे अगेन जो है, तो यहाँ पे बाकी कपड़े जो थे समेटने वाले, मैं वहाँ पे यहाँ पे वो समेट रही थी जो मुझे इस तरह नहीं करने, और यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत कबर्ड की क्लीनिंग कर रही थी। ये मेरी चीज़ें बहुत अरसे से बिखरी पड़ी थी, काफ़ी कपड़े ऐसे हैं जो अनस्टिच हैं, जो सिलवाना चाह रही हूँ, पर कोई भी जो है ना मुझे अपना नाप ही नहीं समझ आ रहा मैं कैसे सिलवाऊँ। तो अभी एक ड्रेस सिलने के लिए ले दिया है, अगर वो परफेक्ट नाप रहा तो फिर मेजरमेंट उसकी सही रही, तो मैं बाकी ड्रेस भी कोशिश करूँगी कि ऐसा ऐसा करके स्टिच करवा लूँ। और जी इसने सुनारा ने रात को क्या खाया वो मैं थोड़ा बहुत आपको यहाँ ही बता देती हूँ, क्योंकि मैंने इसका शूट नहीं किया था। तो नेक्स्ट टाइम रही वीडियो तो ज़िंदगी, तो वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी कि अक्सर जो मैं इसको जो का दलिया बना के देती हूँ, कैसे देती हूँ, वो भी वीडियो शेयर कर दूँगी। अभी मैं बता देती हूँ कि आज इसने क्या खाया था। इसने खाए थे नूडल अपने छोटे भाई के साथ, और बड़े भाई के जो है ना उसने फ्रोज़न पराठा खाया था। तो उसके साथ तकरीबन 1/4 जो है इसने माशाल्लाह से वो पराठा खाया था, और थोड़े बहुत इसने नूडल खाए थे रात में। दैन इसको फिर मैंने दूध में सैलड डाल के दिया था। तो यही आज की इसकी सारे दिन की रूटीन थी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक शेयर कर दें, कमेंट में लाजमी बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और वीडियो का कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा। और जी थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।